तो दोस्तों, पाई नेटवर्क में आखिर केवाईसी क्यों नहीं आ रही है, इसकी मेन वजह तो इस वीडियो में आज सब कुछ आप देख लोगे। और पाई नेटवर्क में आपकी केवाईसी जल्द से जल्द आ जाए उसके लिए आपको क्या करना है वो भी सब डिटेल में देख लो, ठीक है। तो सबसे पहले जो नए हैं अभी तक जिन्होंने पाई नेटवर्क को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फटाफट से ज्वाइन करो और माइनिंग करना स्टार्ट कर लो। यह पाई कॉइन है और इसके साथ साथ एक BTCS का कॉइन है, वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉइन है, तो उसको भी मिस मत करना। ये दोनों में अगर आपके 100-100 कॉइन्स भी हो गए तब भी आपकी पूरी की पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि आप फटाफट से लाइक कर लो। इस वीडियो में हम लाइक्स का एम 100 लाइक्स का रखते हैं, तो होप कि आप 100 प्लस लाइक तो करवा ही दोगे, ठीक है दोस्तों। टारगेट 100 लाइक्स का है तो फटाफट से आप करवा ही देना। तो आपकी KYC जल्द से जल्द आए उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आना है और रोजाना माइनिंग बटन को ऑन करते रहना है। रोजाना आपकी माइनिंग यहाँ से स्टार्ट तो होनी ही चाहिए। और दूसरी बात कि जो आपके रेफरल्स होंगे वहाँ पर क्लिक कर लेना है, और फिर आपके रेफरल की टीम है तो यहाँ से पिंग इनएक्टिव, तो इनको भी पिंग सेंड करना मत भूलना। हर 15 घंटे में एक बार आपको यहाँ से पिंग सेंड करने का मौका मिलेगा, तो आप दिन में कम से कम एक बार तो अपने फ्रेंड्स को पिंग जरूर से सेंड कर देना। तो ये दूसरी बात थी। अब तीसरी बात, सबसे टॉप पर 3 लाइन है वहाँ पर क्लिक कर लेना है, और फिर ये मेन नेट है वहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें हैं, यहाँ पर जितने भी इन्होंने सेक्शन दिए हैं वो सब के सब सेक्शन आपको कंप्लीट करने जरूरी है। ये न्यू वाइट पेपर है इसको छोड़ देना, फिर प्रीव्यू अनवेरीफाइड बोनसेस, तो आपके कितने बोनसेस अभी अनवेरीफाइड है, यानी कितने लोगों की KYC जो आपके रेफरल से उनकी नहीं हुई है वो सब यहाँ पर शो होगा। फिर कॉन्फ़िगर लॉकअप रेट है यहाँ पर आ जाना है, और फिर यहाँ से आपका जो लॉकअप रेट होगा उसको परसेंटेज के हिसाब से सेट कर देना है। तो ये भी मैंने आपको अलग से ये डेडिकेटेड वीडियो बनाकर डिटेल में बता दिया है, तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। अब उसके ऊपर यह मेन नेट चेकलिस्ट है यहाँ पर आ जाना है। तो सबसे पहला देख लो डाउनलोड पाई ब्राउजर ऐप, तो अभी तक बहुत सारे फ्रेंड्स ने पाई ब्राउजर ऐप को डाउनलोड नहीं किया होगा, तो दोस्तों आप ज़रूर से पाई ब्राउजर ऐप को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद उसमें आपका जो पाई का वॉलेट होगा उसको भी जनरेट करना होगा, तो उसको भी ज़रूर से जनरेट कर लेना, और फिर उसमें ट्रांजेक्शन करना भी स्टार्ट कर देना। आपको 100 कॉइन मिलेंगे जो टेस्ट के कॉइन होंगे, तो आप मिनिमम 0.001 पाई कॉइन भी एक दूसरे को सेंड कर सकते हो। तो मैं भी आपको जो टेलीग्राम की चैनल है वहाँ पर मेरा जो वॉलेट एड्रेस होगा वो दे दूँगा, तो आप मेरी टेलीग्राम की चैनल पर आ जाना, और फिर वहाँ से कॉपी करके आपके जो टेस्ट पाई कॉइन होंगे उसको मुझको सेंड कर देना, और आप अपना वॉलेट एड्रेस है वो भी टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पर दे देना, तो मैं भी आपको जो मेरे टेस्ट कॉइन है वो सेंड कर सकूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वॉलेट होगा वो भी एक्टिव होगा और रनिंग में होगा, तो हम एक्टिव यूजर्स में काउंट हो जाएंगे, तो ये हमारा दूसरा वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये तीसरा वाला है कंफर्म योर पाई वॉलेट एड्रेस, तो यहाँ पर आकर आपका जो पाई का वॉलेट होगा उसको कंफर्म कर लेना होगा। तो अभी तक आपने आपका पाई वॉलेट कंफर्म नहीं किया है तो फटाफट से कर लेना। जब तक आप अपना पाई का वॉलेट कंफर्म नहीं करोगे तब तक आपका जो पाई का वॉलेट होगा यानी पाई नेटवर्क का आपका जो पूरा का पूरा अकाउंट होगा वो अधूरा रहेगा, तो जो आपके पाई कॉइन होंगे वो मेन नेट में ट्रांसफ़र नहीं होंगे अगर आप यहाँ पर अपना वॉलेट सेट नहीं करोगे, ठीक है दोस्तों। तो आप अपना वॉलेट यहाँ पर सेट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये चौथा है कमिट टू लॉकअप कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैंने आगे बताया आपका जो लॉकअप का रेट होगा उसको भी सेट करना होगा। अब उसके बाद आपकी KYC आ जाएगी और फिर KYC का रिजल्ट, तो सब कुछ आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अब इन्होंने यहाँ पर सातवां सेक्शन भी दे दिया है माइग्रेट टू मेन नेट, तो जिनकी KYC हो जाएगी उनका जो माइग्रेशन होगा वो मेन नेट में हो जाएगा, यानी उनके पाई कॉइन मेन नेट में चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अभी लास्ट वाला है तो इनवाइट योर टीम टू कंप्लीट KYC टू ट्रांसफ़र मोर पाई, तो आपकी KYC हो जाएगी उसके बाद ये वाला सेक्शन भी आपके लिए ओपन हो जाएगा, तो आपके जितने भी रेफरल होंगे उनको आप बता सकोगे कि आपका KYC है वो कर लो, जिससे उनका जो पाई का बैलेंस होगा वो मेन नेट में ट्रांसफ़र हो सकेगा, और आपको भी जो रेफरल का रिवार्ड मिला होगा वो बैलेंस भी आप मेन नेट में ट्रांसफ़र कर सकोगे, ठीक है दोस्तों। तो ये भी बात जरूर से याद रख लेना, आपकी KYC होने के बाद अपने जो रेफरल्स होंगे उनको जरूर से नोटिफाइड कर देना, ठीक है। और फिर यहाँ पर माइग्रेट टू मेन नेट, तो यहाँ से आपका माइग्रेशन भी होगा। अब इसके अलावा और क्या काम करने हैं वो भी देख लो। तो फिर से आपको सबसे टॉप पर 3 लाइन होगी वहाँ पर आ जाना है, और फिर ये पाई ब्राउजर है वहाँ पर क्लिक कर लेना है।
और फिर आपको आपके पाई ब्राउज़र में चले जाना है। ठीक है दोस्तों, तो पाई ब्राउज़र की और ज़्यादा डिटेल ले ले उससे पहले एक बात जरूर से याद रख लेना कि आप पाई की माइनिंग जब भी एक्टिव करो, यानी आपका माइनिंग का सेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप जब भी पाई की माइनिंग को एक्टिव करते हो तो आपकी पाई की माइनिंग को एक्टिव करने के बाद 4 से 5 मिनट तक उसकी स्क्रीन को ऑन रखना, यानी मोबाइल को चालू रखना, आप अपने एप्लीकेशन को चालू रखना। ठीक है, क्योंकि इसकी कोर टीम ने यह कहा है कि आप जब भी माइनिंग चालू करते हो तो उसके बाद आपका KYC का स्लॉट आने का चांस ज़्यादा रहता है, तो आप एलिजिबल होंगे तो आप पर KYC का पॉपअप आ जाएगा, इस बात को अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, तो हर रोज़ माइनिंग चालू करो तो माइनिंग एक्टिव करने के बाद 4 से 5 मिनट तक वेट कर लेना, उसके बाद आप पाई ब्राउज़र में भी आ सकते हो। तो रोज़ाना आप 4 से 5 बार पाई की माइनिंग एप्लीकेशन है उसको ओपन करते रहो और फिर वहाँ से पाई ब्राउज़र में आते रहो, और फिर सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है KYC.py, तो यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर इस तरीके से आपका लॉगिन होगा और उसके बाद इस तरीके से फैचिंग डेटा करके आ रहा है। ठीक है, तो मेरा भी पिछले कई दिनों से यही हाल है, फैचिंग डेटा। तो इसका साफ मतलब है कि पहले यहाँ पर ऐसा होता था कि एक हाथ शो हो जाता था और फिर सॉरी लिख कर आ जाता था कि अभी KYC का स्लॉट ओपन नहीं है, आपको बाद में KYC का मौका मिलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर फैचिंग डेटा आ रहा है। इसका साफ मतलब है कि इसकी कोर टीम ने जो 17.5 मिलियन प्लस एंगेज पाउनर्स है उनके लिए KYC को ओपन कर दिया है, तो सब बैकग्राउंड में KYC कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए सर्वर पर लोड ज़्यादा है, इस वजह से ये फैचिंग डेटा वाला ऑप्शन आ रहा है। और दूसरी एक वजह यह भी होगी कि अभी तक हमारा अकाउंट सिलेक्ट नहीं हुआ होगा, इस वजह से भी ये फैचिंग डेटा वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, जितने भी पार्टनर्स होंगे और जो एक्टिव होंगे वो तमाम के तमाम पार्टनर्स की KYC 100% होगी ही होगी। ठीक है, अभी हो या फिर कुछ दिनों के बाद हो, लेकिन सबकी KYC तो होनी ही है, इस बात को याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बातें थी जो पाई के रिगार्डिंग थी, जो आपको बतानी थी। तो इन बातों पर आप रोज़ाना काम करते रहोगे और इतनी तमाम बातें जो मैंने अभी आपको बताई वो सब क्लियर करके रखोगे तो आपकी पाई की जो KYC है वो भी बहुत ही जल्द आ जाएगी। फिर आप पाई का जो माइग्रेशन है वो मेन नेट में कर सकोगे और फिर जैसे ही इसकी लिस्टिंग होगी तब हम इससे अच्छा खासा प्रॉफिट भी गेन कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, और साथ साथ में ये सारे ऑप्शन है उनको भी आप चेक करना मत भूलना, दिन में 1-2 बार चेक करते रहना, जिसे आप एक्टिव हो ये पाई के सर्वर को लगेगा। और एक मेन बात कि यहाँ से वॉलेट जनरेट कर लेना और फिर मैं आपको वॉलेट दे दूँगा, तो मुझे भी और जो हमारे दूसरे फ्रेंड्स होंगे उनको भी आप अंडर यहाँ से टेस्ट के कॉइन होंगे उसको एक दूसरे को सेंड करना, इससे यह होगा कि हमारा जो वॉलेट होगा वो भी एक्टिव रहेगा, तो इससे हम पर KYC आने का फुल चांस रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज की अपडेट, कैसे लगी कमेंट में ज़रूर से बताना। और फिर से याद दिला देता हूँ, 100+ लाइक्स का एम है, तो आप 100 लाइक्स जरूर से करवा देना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू अपडेट के साथ एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए कीप माइनिंग एंड कीप अर्निंग।